बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। किचन एक्सपर्ट में हाजिर हैं आज एक नई रेसिपी के साथ। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, वो बराए मेहरबानी जल्दी जल्दी इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और वीडियोस पसंद आती हैं तो उसे अदर फैमिली एंड फ्रेंड में से शेयर ज़रूर करें। तमाम वीडियोस के जो लिंक हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद हैं, वीडियोस को देखें, वीडियोस पसंद आती हैं तो उसे लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। तो चलिए आज की रेसिपी की तरफ चलते हैं। आज मैं आपके लिए ब्रेड से बनी हुई दो लंच बॉक्स रेसिपी लेकर आई हूँ, जो बहुत ही क्विक और इजी है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि सुबह सुबह की भाग दौड़ में हम इसे बहुत ही कम टाइम में बना सकते हैं। सैंडविच की रेसिपीज जो होती हैं वो बहुत ही इजी होती हैं, तो सुबह सुबह मतलब थोड़ा सा टाइम का इशू होता है तो हम बहुत जल्दी जल्दी भाग दौड़ में इसे बना सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये बच्चों को बहुत ही पसंद आती है, बल्कि बच्चों को ही नहीं बड़ों की भी ये फेवरेट है। तो चलिए अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो मैं दो रेसिपी आज आपसे शेयर करूंगी। पहली रेसिपी जो मेरी है वो है वेज मायो सैंडविच। ठीक है, तो वेज मायो सैंडविच के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है उनमें एक बाउल लेंगे हम। बाउल में तकरीबन 3 टेबल स्पून हम प्याज लेंगे, जिसको हमने इस तरह बारीक चॉप कर लिया है। 3 स्पून हमने प्याज ले लिया। तकरीबन 2 टेबल स्पून इसमें हम लेंगे बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च, 2 टेबल स्पून। फिर इसमें हम डालेंगे तकरीबन 3 टेबल स्पून बारीक कटा हुआ चॉप किया हुआ गाजर। इसके बाद हम लेंगे तकरीबन 2 टेबल स्पून ही मेरे पास हैं सैलड लीव, जिसको सलाद के पत्ते को हमने इस तरह बारीक कट कर लिया। तकरीबन 1/2 टीस्पून हम इसमें पिसी हुई काली मिर्च डालेंगे। और 2 टेबल स्पून जो है इसमें मायोनीज डालेंगे। इसमें मायोनीज में नमक शामिल होता है, इसलिए हम अकॉर्डिंग टू टेस्ट हमें जितनी नीड है हम थोड़ा सा इसमें 2 से 3 चुटकी जो है वो नमक ऐड करेंगे और फिर इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे। इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। मैंने 4 पीस ब्रेड लिया है, ब्रेड के जो कॉर्नर्स हैं उनको कट कर लेंगे। दो स्लाइस हम लेंगे और जो हमने मायो वेज स्प्रेड तैयार किया है उसको इस पे डाल के स्प्रेड करेंगे इसे। अब हम दूसरे ब्रेड पे डालेंगे और इसे भी स्प्रेड करेंगे। अब इस पे जो दूसरा स्लाइस था उसे हम इस तरह रखेंगे और इसे हल्के हाथ से हल्का सा प्रेस करेंगे।
प्रेस करने के बाद इसे हम ट्रायंगल में कट करेंगे। देखें, ये बहुत ही जबरदस्त सैंडविच हमारी तैयार है। ठीक है, अब इसे हम डिश आउट करेंगे और ये बहुत ही मजेदार यम्मी सी हमारी वेज मायो सैंडविच तैयार है। ठीक है, इसे मजे से बच्चों के लंच बॉक्स में दे दें, साथ में इसके होममेड कोई शेक या जूस भी दे दें जो बच्चों की बहुत ही फेवरेट होती है। तो आइए चलते हैं हम अपनी दूसरी रेसिपी की तरफ। आज की जो दूसरी रेसिपी हमारी बननी जा रही है वो है ब्रेड पिज़्ज़ा। ठीक है, तो ब्रेड पिज़्ज़ा बनाने के लिए सबसे पहले हमने 4 जो हैं वो ब्रेड स्लाइस लिए हैं और इसमें सबसे पहले हम पिज़्ज़ा सॉस जो है वो स्प्रेड करेंगे। तमाम ब्रेड पे हम अच्छी तरह पिज़्ज़ा सॉस जो है वो स्प्रेड करेंगे। इस पे हमने ऑनियन जो है वो बारीक चॉप करके रखा है वो इस पे डालेंगे। अनियन के बाद हम इस पे कॉर्न जो है वो डालेंगे। कॉर्न जो है ये बॉईल किए हुए हैं, हल्का सा सॉल्ट डाल के इसे बॉईल कर लिया, ये ऐड करेंगे। कॉर्न के बाद हम इसमें बारीक बिल्कुल हमने शिमला मिर्चें कट की हुई हैं वो इस पर डालेंगे। आप चाहें तो इसे थोड़ा बहुत मोटा भी सभी कट कर सकते हैं। शिमला मिर्च डालने के बाद अब इसमें हम आपके पास स्लाइस वाली चीज़ हो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। मेरे पास इस वक्त मोज़रेला चीज़ है, मैं वो इस पर डालूंगी। और चीज़ आपकी अपने पसंद और टेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है, आप कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। अब हम इसमें मिक्स हर्ब जो है वो करेंगे। हर्ब की वजह से इसमें बहुत ही जबरदस्त खुशबू और इसका फ्लेवर बहुत ही जबरदस्त आता है। के बाद इसमें अब हम क्रश चिली जो है वो स्प्रिंकल कर देंगे। और अब हम इसे पैन में हल्का सा सेकेंगे। चूल्हे पे हमने एक फ्राई पैन रखा है, आप चाहें तो ओवन में, एयर फ्रायर में या कढ़ाई में, तवे पे, किसी भी चीज़ पे इसको हल्का सा
सेक सकते हैं। मतलब तो मैं इस वक्त पैन पे कर रही हूँ। अब इसे हम बिल्कुल स्लो फ्लेम पे रखेंगे, तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए हम इसे सेकेंगे और इसे कवर कर देंगे। और ब्रेड पिज्जा हमारी अब सिक चुकी है, देखें इतनी जबरदस्त खुशबू आ रही है और ये अच्छी तरह से सिक भी चुका है। अब इसे हम डिश आउट करेंगे। और ये है हमारी दोनों रेसिपी का फाइनल लुक, इंतहाई जबरदस्त और टेस्टी। इसकी खुशबू, इसकी शक्ल बता रही है कि ये आप लोगों को और स्पेशली बच्चों के लंच बॉक्स में अगर ये दें तो बच्चों को भी बहुत पसंद आएगी। ठीक है, तो इस रेसिपी को जरूर ट्राई करिएगा, बहुत क्विक और इजी बनने वाली रेसिपी है और बच्चों की और बड़ों की दोनों की फेवरेट भी है। मैंने इसे केचप के साथ सर्व किया है जो कि ऑलमोस्ट ये बच्चों की भी फेवरेट है ये, ठीक है, और बड़ों की दोनों की। तो इसे बनाएं, एंजॉय करें और हमें अपना फीडबैक ज़रूर दें। ठीक है, रेसिपी पसंद आती है तो इसे लाइक करें, फ्रेंड एंड फैमिली में शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बराए मेहरबानी हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और स्पेशली कमेंट करें। कमेंट करने से और सब्सक्राइब करने से मतलब आप लोगों का कुछ नहीं जाता है, एक बटन ही प्रेस करना होता है आपको, लेकिन हमें बहुत ही हमारी हौसला अफजाई होती है कि हम मजीद सब्सक्राइब बढ़ेंगे तो हम मजीद आप लोगों की अच्छी लिए अच्छी अच्छी रेसिपीज जो हैं वो आप लोगों से अपनी शेयर करेंगे। ठीक है, इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई रेसिपी और मज़ेदार रेसिपी के साथ दोबारा हाजिर होंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।